नौकरी दिलाने के सपने दिखाकर फंसाने के कई मामले आपने सुने ही होंगे। अब ऐसा ही एक मामला शहर के सदर पुलिस थाना अंतर्गत भी सामने आया, जहां मेट्रो में नौकरी लगाकर देने का अमिष देकर 5 आरोपियों ने एक होमगार्ड को चूना लगाया। करीब 3 साल पहले घटित हुई इस घटना में पुलिस ने आरोपी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित अमरावती जिले के मोर्शी निवासी महेंद्र नानाजी डाये है, जबकि आरोपी गज्जू ढोके, परमेश्वर वर्ठे, राजेश रोहिले, किशोर ढोने और अन्य एक है। पीड़ित और आरोपी एक ही जिले के निवासी और पहले से ही एक दूसरे से परिचित हैं। वही महेंद्र अमरावती में होमगार्ड है। यह काम अस्थायी होने से वह किसी नई नौकरी की तलाश में था। इसी दरमियान आरोपियों ने उसे बताया कि उनकी नागपुर मेट्रो रेलवे में अच्छी पहचान है, मंत्रियों से भी अच्छी उनकी बातचीत है, जिससे वह उसे आसानी से नौकरी दिला सकते हैं। झांसे में आए महेंद्र ने आरोपियों को मेट्रो कार्यालय में आकर 2.5 लाख रुपए दिए। घटना के इतने दिनों बाद भी महेंद्र को नौकरी नहीं मिली, इस कारण उसने आरोपियों से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन रुपए उसे वापस नहीं किए गए, जिससे मामला थाने पहुंचा। घटित प्रकरण से पुलिस को संदेह है कि आरोपियों का एक अन्य साथी संभवतः मेट्रो में कार्यरत है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। फिरियादी है महेंद्र नानाजी डाहे, उम्र 37 साल, रहना मोर्शी, जिला अमरावती। उनके जवाई का एक मित्र था, जिन्होंने उनके जवाई को बताया था कि उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है और वो मेट्रो में नौकरी लगा के देता है, इसलिए उन्होंने उसकी फिरियादी से पहचान करा के दी थी। और फिरियादी को उस समय ये 4 आरोपी गजानन शंकरराव ढोके, परमेश्वर तुलसीराम जी वर्ठे, राजेश रोहिले और किशोर ढोने, ये लोगों ने उसको मिला के बताया कि ये लोग मेट्रो में नौकरी लगा देते हैं। और उसको सदर के मेट्रो ऑफिस में बुलाया था वहाँ पे, और एक 5वां आरोपी भी उन्होंने बुलाए थे, उसको ये मेट्रो में काम करता ऐसा उसका वाला पहचान कराई थी। और नौकरी टेक्नीशियन के पद पे नौकरी लगाने के लिए उससे उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए थे। उसके बाद में उसे कुछ दिन में ज्वाइंट ऑर्डर मिलेगा ऐसा बता के उसको ज्वाइनिंग ऑर्डर इन्होंने 8-10 दिन के बाद में एक बोगस ज्वाइनिंग ऑर्डर दिया था। उसके बाद में जब वो फिरियादी को मालूम पड़ा कि ये बोगस ज्वाइनिंग पेपर है, उसके बाद में फसवणूक हुई है, तब उन्होंने वो आरोपी से कांटेक्ट किया और उन्हें वो पैसे की मांगनी करा था, दिए हुए 2.5 लाख के। 1 साल तक के आरोपी ने उन्हें घुमाया, पैसे रिटर्न नहीं दिए। उसके बाद में फिरियादी ने पुलिस स्टेशन सदर में तकरार दी है। इसकी हमने प्राथमिक जाँच करके आरोपियों के विरुद्ध में हमने फसवणूक का गुनाह दाखिल किया है। इसमें टोटल 5 आरोपी हैं। तपास चालू है अभी, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमरी लेवल पे हमारा इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन करके हम पूरी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, वहीं आगे की जांच जारी है। हालांकि वो तमाम लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि किसी के भी झांसे में आकर नौकरी पाने के लिए पैसा ना दें, समझदारी से ही कोई निर्णय लें। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।